आपने कहा स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोग को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपने अभी तक स्थानीय कौन यह डिफाइन नहीं किया हुआ है। जब डिफाइन नहीं किया हुआ है तो कौन अर्हता रखेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। पहले डिफाइन करिए कि स्थानीय कौन होगा, फिर उसके नियोजन के लिए आगे जाइए। क्योंकि अब विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा, उनका आंदोलन रुक जाएगा और उनके साथ छल किए, आंदोलन भी ना करने दिए, ये छल करने का काम नहीं केवल इस महीना के लिए मुद्दा नहीं बना, ये हालात पैदा किए गए हैं। राज्य के अंदर जिस कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट आती है, अपने वायदों को 3 साल तक आश्वासन पर रखती है और 3 साल बाद क्या ऐसी मजबूरी और क्या पॉलिटिकल कारण बना कि हड़बड़ा के उन विषयों को लाती है, जिस रूप से विषय को आना चाहिए था, जिस विभाग के माध्यम से आना चाहिए था, विभाग की अर्हता को पूरा करते हुए आना चाहिए था, उनको ताक में रख के आनन फानन में एक दिन का मैंने कहा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेशल सेशन तो नाम का होता है, सरकार अपना प्रस्ताव लाती है, पढ़ती है और पास करा के आगे बढ़ा देती है। तो जो स्थानीय नियोजन नीति का जो मसला था, उस विषय के साथ मैंने उसी दिन कहा था ये पॉलिटिकल एजेंडा गवर्नमेंट का है और उसी से खेल रहे हैं। अब जब ये इस पर प्रश्न खड़ा होता है, न्यायालय सामने आता है और संविधान की बातें होने लगती है, तो इसी सदन के अंदर 3 तरह की भाषा आप देखे होंगे इस राज्य के सदन के लीडर का। पहले इसी सदन में खड़ा होकर ये कैसे होगा उनका प्रश्न था, अगर निकाल के देखिए हूबहू। बाद में वो इसी को लेकर हुंकार भरते हैं और इसको प्रस्ताव लेके आते हैं, अंततः फिर बोल संवैधानिक बात करते हैं, चूंकि ये संवैधानिक नहीं है मेरा प्रस्ताव, इसीलिए टर्न डाउन होता है और मैं दूसरे फॉर्मूले पर अब जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से पूरे राज्य के वैसे लोग जो इस राज्य के गठन के साथ या फिर आगे भी एक भावनात्मक रूप से इस विषय के साथ जुड़ गए थे और उन्होंने एक सपना देखा था इस बिहाफ में कि हमें इस रेशियो के आधार पर, स्थानीय नियोजन नीति के आधार पर कहीं ना कहीं हमें नौकरी का एक अवसर मिल सकता है, वो सपना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये नया फॉर्मूला लाकर मारने का काम किया है। अब जो था कि 75% रिजर्वेशन निजी क्षेत्र में, क्या आपको लगता है कि अभी भी सरकारी दस्तावेज में तो 85 ही है स्थानीय की परिभाषा? नहीं, ये कभी भी किसी प्रस्ताव को ठीक से देखते नहीं। पहला कि आपने कहा स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोग को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपने अभी तक स्थानीय कौन यह डिफाइन नहीं किया हुआ है। जब डिफाइन नहीं किया हुआ है तो कौन अर्हता रखेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। पहले डिफाइन करिए कि स्थानीय कौन होगा, फिर उसके नियोजन के लिए आगे जाइए। अभी आलमगीर साहब 4 दिन पहले बच्चों से बात किए थे जो विधानसभा का घेराव करने वाले थे, उन्होंने कहा सरकार को 4 दिन का वक्त दीजिए, हम लोग रास्ता निकालेंगे, आज विज्ञापन निकालेंगे। यही रास्ता निकालने के लिए 4 दिन का वक्त मांगे थे, क्योंकि अब विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा, उनका आंदोलन रुक जाएगा और उनके साथ छल किए, आंदोलन भी ना करने दिए, ये छल करने का काम किया। धन्यवाद। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in